बीकानेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव बीडी कल्ला से बातचीत कर रहे हैं, वो विजयी हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता रहे, कहीं ना कहीं एक अकाल था, जीत का इस बार पूरा हुआ। और खास बात ये स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। बीडी कल्ला साहब, जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय बीकानेर की जनता को देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मेरा एक सार्वजनिक जीवन है, मैं जीतूं या हारूं हमेशा जनता के साथ रहा हूं, साथ रहूंगा और एक सक्रिय विधायक के रूप में विधानसभा में सक्रिय भूमिका अदा करूंगा। की जनता केवल विधायक नहीं, कुछ और भी देख रही है आपको। वो तो बीकानेर और मेरे भविष्य पे डिपेंड करता है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं अपने जो जिम्मेदारी विधायक के रूप में मुझे मिली है उसका निर्वहन बहुत ही मनोयोग से करूंगा। क्या लगता है कांग्रेस का जो अभी फिगर चल रहा है और ये बात निश्चित है कि हमारे सहयोगी दलों के भी लोग आए, इसलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। साहब, एक सवाल बनता है इस खुशी में भी, आप जीते, अच्छे से जीते, लेकिन अगर हम बीकानेर के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं तो बहुत उलटफेर हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की इनफाइट कारण रही, रामेश्वर डूडी चुनाव हार गए, वीरेंद्र बेनीवाल चुनाव हार गए, तो इस तरह के परिणाम। देखिए, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इनफाइटिंग स्थिति कहीं भी नहीं थी, हम लोग सब एक जुट थे। तो क्या ये माने कि बीकानेर की जनता ने इस बार एक मंत्री को चुना है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, डिस्क्रिप्शन बार मुख्यमंत्री जी का होता है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये भी हमें अभी कुछ पता नहीं है, हम लोग वहाँ जाकर के सर्वसम्मति से चुनाव करेंगे। जीत का श्रेय सीधे तौर पर किसे देंगे? सीधे तौर पर राजस्थान की जनता को, राजस्थान में और बीकानेर में बीकानेर की जनता को। चलिए, बहुत शुक्रिया। जीत मेरी नहीं, बीकानेर की जनता की जीत। टोल फ्री नंबर जारी करेंगे ना? निश्चित जारी करेंगे, निश्चित। तो ये देखिए, उनके सभी साथी गण बहुत खुश दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर बीडी कल्ला की एक बड़ी जीत अपने आप में है। जब बहुत सारे दिग्गज हार गए हों, ऐसे में बीडी कल्ला यहाँ से जीते हैं। और हालांकि इस बात पर उन्होंने कमेंट्स करने से इनकार कर दिया कि क्या बीकानेर की जनता ने एक मंत्री चुना है, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो निश्चित तौर पर बीडी कल्ला का नाम उसमें होगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।